बेटी बार लल जा चल गले ओकरा बेटवा मर जितले ओकर रह जितले हमर हाथ बलवा हां रह जितले हां कांद बले हम अल्लाह के एक तो पयो बेटा बता न कर लागल हम बकवाद लग गया हां तिर के हमला थोड़े इसके सुता गला किया। कंपनी किसी की नहीं सुनने वाला, ये विडंबना है कि क्या कंपनी सबसे ऊपर है? क्या कंपनी किसी की नहीं सुनता है? कोई जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनता है? अगर जनप्रतिनिधियों की अगर कंपनी नहीं सुनता है तो मेरे ख्याल से सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर एक कंपनी अगर किसी प्रतिनिधि की नहीं सुनता है जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, उनको सबको रिजाइन कर देना चाहिए, स्वेच्छा से रिजाइन कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि NTPC जो भारत की सबसे महारत्न कंपनी है वो किसी जनप्रतिनिधि की सुनता नहीं है, जिसके कारण हम रिजाइन कर रहे हैं। आपके मर्जी के अगर आपका मन नहीं है तो कंपनी आपके जमीन में कदम नहीं रखेगा। तो सर क्या होता है, कंपनी कुछ नहीं सुनता है सर, पुलिस प्रशासन बड़ा बाबू पूरा घिसट घिसट के ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रैयत है सर, हम लोग बोलते हैं रैयत, रैयत से बात कीजिए। आपको लेना प्रशांत सिंह बोलता है अभी जैन सिन्हा फोन करेंगे तभी रोक देंगे। जैन सिन्हा से बात कीजिए, जैन सिन्हा पास लगाते हैं फोने नहीं उठा रहे हैं। अब विधायक पास लगाते हैं तो उनका भी फोन रिसीव नहीं हो रहा है। उनका भाई पास लगा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं सर दीदी मेरा विधानसभा में है। किसी से कोई हम लोग को हेल्प नहीं मिल रहा, हम लोग एकदम त्राही मन त्राही मान अभी हो रहे हैं। तो कुछ ग्रामीण बोल रहे थे कि आप लोग DC के पास गए थे, DC बोले थे DC तो हम लोग को सामने फोन करके बात किया NTPC से कि अभी काम नहीं करना है जब तक पेमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन CO को आकर कम से कम 1.5 महीना हो गया, पर पहले जब भी CO आए तो पहले ग्रामीणों का काम करना था, लेकिन CO साहब ने भी पहले NTPC का काम करना। हम लोग को किसी से हेल्प नहीं था, हम लोग वोट का मारने जाएंगे। मेरा सरकार नहीं है, मेरा सरकार नहीं है, हमारा कोई सरकार नहीं है। तो भी नहीं, जबरन बोलता है कि कोई अति समय नहीं है, हम लोग का ऊपर से आदेश है। तो पेमेंट करने के लिए कोई आदेश नहीं है, जो है जबरन काम करने के लिए आदेश है। पेपर ऊपर सब दिए हुए पूरे 2021 में पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना, जिसको लेकर NTPC इतना ढिंढोरा पीटती है कि हम इतने लोगों को रोजगार दे चुके हैं और इतने लोगों को काम दे चुके हैं, विकास की नई धारा लिख चुके हैं, नई धारा बहा चुके हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ। पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना हमेशा विवादों में घिरा रहा है और आज भी विवादों से घिरा है। झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आने वाला पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना हमेशा विवादों में रहा है और आज जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है, ऐसा क्या हो गया कि डाड़ीकला थाना प्रभारी को लाठी चार्ज करना पड़ा और लोगों को और महिलाओं को मारना पड़ा? ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इतना क्या प्रेशर है और इतना क्या जल्दी है कि देश के विकास के लिए कोयला खदान खोलना ही है और लोगों के साथ आज जो वहाँ पे की गई है, जो घटना की गई है, जो महिलाओं के साथ मारपीट, बूढ़े बच्चे सब लोग वहाँ पे थे। अगर आप वहाँ देखेंगे इस वीडियो को तो आपको दिल से रोना आ जाएगा, आप रोने लगेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पर। जिस तरह से आप देखेंगे कि महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अपने बकरियों को लेकर वहाँ पर सो जा रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया वहाँ पर कि जो ग्रामीण हैं इतने आक्रोशित हो गए हैं? पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना जिसको लेकर NTPC इतना ढिंढोरा पीटती है कि हम इतने लोगों को रोजगार दे चुके हैं और इतने लोगों को काम दे चुके हैं, विकास की नई धारा लिख चुके हैं, नई धारा बहा चुके हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ कागजों में है। अगर आज आप देखेंगे कि किस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट किया गया और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, इससे पहले भी बच्चों के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ मारपीट किया गया। हमको बता दिया बेहोश हो गया भी यही मार मार
अचानक जबरदस्त हम लोग का तीर घींच और मार पीट कर कर गाड़ी चालू कर दिया है मशीन पूरा कुछ नहीं मन सबको के टांग को के तीर घींच के यार मार पीट करने लगा बंक कुदा कुदा लड़का लोग के सबको मारा सबके मारा बहुत कट मारा लेडीज लोग बेहोश हो गया मेरा बड़ा गोतनी हो गया और बोलता है कि चलिए सब गाड़ी हकाइए सबके गाड़ी चढ़क ले जाइए थाना से बोलता है इन तो आप लोग की जमीन पे काम कर रहा है एनटीपीसी तो पेमेंट दिया है नहीं दिया जबरन काम कर रहा है जबरन काम पेमेंट के लिए बोले तो क्या बोला पेमेंट के लिए बोले हुए हैं तो बोल रहा है सीईओ बैठे हुए हैं तो ये बैठे हुए आज बैठ रहा है सीईओ के आज तक ले सीईओ के पेमेंट करने के लिए सीईओ नहीं है रोड के काम करने के लिए सीईओ है तो पेमेंट अभी यहाँ पे लोगों के साथ वार्ता कर रहा है अभी यहाँ पे बैठ के हम लोग दो दिन के लिए समय मांगे तो भी नहीं जबरन बोलता है कि कोई अथी समय नहीं है हम लोग का ऊपर से आदेश है तो पेमेंट करने के लिए कोई आदेश नहीं है और जो है जबरन काम करने के लिए आदेश है पेपर ऊपर सब दिए हुए पूरे 2021 में दिए हुए पेपर सब जमा है ऑलरेडी पूरा खतियान जमा है काका पेपर जमा है काका पेपर तो जमा है फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा है नहीं क्या कारण सीईओ का लफड़ा बताता है तो मैटर अपना बताता है वो हम लोग को पेपर के लिए बोला गया पेपर तो हम लोग जमा किए हैं वहाँ खतियान हाँ तो पेपर का सत्यापन किया कुछ भी नहीं कोई नोटिस कुछ नहीं नहीं नोटिस किया लेकिन वहाँ जमा किया तो वो सीईओ को बताता है सीईओ बैठेगा तब पेमेंट होगा हम लोग बोलते पेमेंट कीजिए तब काम चालू कीजिए नहीं तो फिर बाद में बताइएगा कि आपका जमीन कहाँ है हम लोग कहाँ दिखाएंगे जमीन जमीन तो रोड में डबल रहेगा उस समय दिखाएगा नक्शा वगैरह कि जमीन कहाँ है हाँ हाँ वही तो वही कारण है आज हाँ हाँ वही कारण है जमीन का पेमेंट कर दीजिए और अपना आप काम कीजिए तो फिर इसमें किसी से कोई वार्ता मतलब सीईओ अभी मजिस्ट्रेट जो बन के आए हैं सीआई साहब बड़कागांव सीआई तो वो कुछ बोल रहे हैं बोल रहे हैं कहाँ वार्ते नहीं कर रहे हैं वो तो चैलेंज दिखाते हैं किनारे किनारे घूम रहे हैं बर्ताव नहीं करते हैं बर्ताव क्या बोल रहे हैं काम होगा सिर्फ मेरा जमीन में बूट लगाए थे जनम्बो नहीं किया अभी डोजिंग कर दिया पूरा डोजिंग कर दिया खैर धनवा लगल था उस समय मेरा जमीन तक नहीं गया आज डोजिंग कर दिया चना मेरा पूरा खत्म हो गया कितना चना लगा चना मेरा तीन किलो था तो अभी लग रहा है महिलाएं पूरा गाड़ी के अंदर आ जा रही हैं पूरा जेसीपी के इधर आ जा रही हैं सूत जा रहे हैं जिधर सूतते हैं उधर से छोड़ के दूसरा दने ले जाता है डोजर वार डोजिंग करने लगता है मतलब यहाँ हम लोगों के साथ कंपनी कबड्डी खेल रहा है जिसको पास भी बोलते हैं जेंट्स सीधे बोलता है एनटीपीसी का जो अथी है अधिकारी उसको नाम है प्रशांत सिंह बोलता है अभी जैन सिन्हा फोन करेंगे तभी रोक देंगे जैन सिन्हा से बात कीजिए जैन सिन्हा पास लगाते हैं फोने नहीं उठा रहे हैं अब विधायक पास लगाते हैं तो उनका भी फोन रिसीव नहीं हो रहा है उनका भाई पास लगा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं से दीदी मेरा विधानसभा में है किसी से कोई हम लोग को हेल्प नहीं मिल रहा हम लोग एकदम त्राहिमान अभी हो रहे हैं तो कुछ ग्रामीण बोल रहे थे कि आप लोग डीसी के पास गए थे डीसी बोले डीसी तो हम लोग को सामने फोन करके बात किया एनटीपीसी से कि अभी काम नहीं करना है जब तक त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होता तब तक आपको काम नहीं करना है लेकिन कहाँ उनका बात को रख रहा है पूरा एकदम हर किसी का मतलब दरकिनार करते हुए कंपनी जबरदस्ती कर रहा है एकदम हम लोग को जमीन का पैसा नहीं मिला है और जमीन का पैसा भी आदमी दे रहा है तो 2009 के हिसाब से दे रहा है अभी के दर से नहीं हम लोग को जमीन में अभी काम कर रहा है तो अभी का रेट हम लोग को तय किया जाना चाहिए था अभी का दर से हम लोग को देना चाहिए था ना घर का रेट तय हुआ है ना जमीन का रेट तय हुआ है जबरदस्ती कंपनी भिड़ गया है अच्छा रोजगार के लिए बात करते हैं तो हंडिया पीछे बोलता है लेकिन देता नहीं है कंपनी सिर्फ बोल रहा आश्वासन दे रहा है किसी का अभी तक रोजी नहीं दे रहा है और जबरदस्ती प्रशासन के बल से मनीलाल तो एकदम जबर सबको ढोड़े ढोड़े उसके हम भी वोकट के आगे सुत गए थे मेरे को भी ढोड़सने लगा जबकि हम विकलांग आदमी यार मेरे को भी ढोड़सने लगा और किनारे कर दिया और कबड्डी हम लोग को साथ खेल रहा है अभी कंपनी
तो आगे क्या करेंगे अभी अगर इसी तरह से काम? अब क्या करें, लास्ट में कोर्ट के दरवाजा, कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे, कोई अथी नहीं। लेकिन हम लोग वोट आप नहीं मारेंगे, वोट हम लोग को जो है ना आगा बूथ, हम लोग बूथ में कोई नहीं जाएंगे, कोई भी पार्टी कोई भी नहीं जाएंगे, मेरा गांव से कोई आदमी नहीं जाएगा। तो कोई भी पार्टी का आ जाए, कोई भी पार्टी का किसी का वोट वोट नहीं मारेंगे, वोट का बूथ खाली चल जाएगा, वोट का बहिष्कार हम लोग कर देंगे। लोकसभा और विधानसभा दोनों की? दोनों का कर देंगे, दोनों का। हम लोग को किसी से हेल्प नहीं, तो हम लोग वोट का है मारने जाएंगे। मेरा सरकारें नहीं है, हमारा यहाँ कोई सरकारें नहीं है, सीधी सी बात। आप तो काका जयंत सिन्हा से मिल के भी आए थे, क्या हुआ? हाँ आए थे, वो तो बोला था जब हम ठीक है क्या, जब तक नहीं एनडीसी हम फोन कर देते हैं, नहीं जब तक नहीं हम वहाँ चालू अभी नहीं करेगा, बंद रहेगा काम, जब तक नहीं वहाँ बर्ताव होगा तब तक कभी नहीं काम होगा। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि उसका बातें नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या करें, हम लोग तो मारना ठीक है लेकिन जिंदा रहना बेकार है। हम लोग की मिट्टी तर दाब दिया, अरनाथ पुलिस आया सबके गोली मार दे, वो अपना काम करके निकल जाए। तो काका कारण क्या है, मतलब बार बार जमीन आपकी जमीन पे काम करने आ जा रहा है, तो कारण नहीं समझ में आ रहा है कि कारण क्या है? या आप लोग मांग हम लोग कहे से देवे नहीं करता है, न रोजगार देता है, न जमीन के अच्छा से मुआवजा देता है, न यार घर द्वार के मुआवजा देता है अच्छा ढंग से, न स्थापित देता है, न रोजगार देता है, तो हम लोग कहा जिंदा रहेंगे, मर जाना ठीक है। तो कंपनी का कहना है कि अगर हम मुआवजा सही नहीं देते तो घर लोग नया नया जो घर बना रहे हैं, जब मुआवजा सही नहीं मिलता तो नया घर काहे बनाते? कहाँ बन रहा है, घर तो बंद है। कंपनी अपना नाम कमा रहा है, नया घर तो कोई जाल के दिखाइए कहाँ नया घर बन रहा है, एक घर नहीं नया है, झारखंड में घर इसी चलते आदमी घर नहीं बना रहा है, यही कारण। जितना पूंजी लगे होगा, जितना पूंजी लगेगा उतना फिर पैसों नहीं देगा, कल घर बनाएगा। सबसे पहले घर बोलता है घर बनाने, घर बन कहा रहा है, दिखावे तो हमको कि कौन घर बना रहा है, जबकि स्थिति ऐसा पैदा कर दिया है कि आदमी को डर से घर नहीं बना रहा, ऐसा स्थिति पैदा कर दिया कंपनी। गाय घर सब बाहर में कुकुटता, आदमी गोहाल तक बढ़िया से नहीं है हम लोग को। अब काका आगे क्या रहेगा, जयंत सिन्हा पास आप चले गए और उसके बाद बाबूलाल मरांडी पास आप लोग चले गए, सब आश्वासन दे दिया और कुछ नहीं करता है, आश्वासन खाली दिया लेकिन कुछ नहीं कर रहा। बाबूलाल मरांडी के पास गए थे तो क्या कहे? वो हो बोला यही बात, अभी उनसे भी बात हाँ लेकिन कुछ बोला जब हम ठीक है बात आते हैं बात करेंगे, कल संडे है, सर संडे को तो बंद रहता है, हम मंडे को बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं आज तक किया है। मतलब यहाँ के सांसद के पास आप लोग चले गए, यहाँ के जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके पास चले गए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनके पास, वो यहाँ पे भी आई तो भी कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, सुनबे नहीं कर रहा। ये कंपनी जो प्रशांत सर है एकदम जबरदस्त कर रहा है, हम लोग तो यहाँ 3 दिन तक रहना ही है, लेकिन कोयला कोल के निकाल के जाएंगे। कौन बोल रहे थे? मनीलाल और प्रशांत। अच्छा, 3 दिन हमारा रहना है लेकिन कोयला कोल के जाएंगे, जनता भंड में चल जाए। कौन 3 दिन रहना है, कौन बोल रहे थे? उनका बदली होना है ना, प्रशांत मनीलाल के, इसीलिए वो अपना दिखा रहा है ताकत। साला भी यहाँ काम तो क्या बोल रहे थे कि 3 दिन मेरा है। हाँ साला भी यहाँ काम लगा। एक क्या बोल रहे थे? 3 दिन बोल, 3 दिन में हम एकदम पुनः कोयला कोड के निकाल के बता देंगे। अच्छा हाँ, कहीं भी जनता जा, सब मेरा है, कोई जनता के नहीं पीछे। अच्छा बोल रहे थे। हाँ क्या करे, हम लोग कैसे जिए, कोई रास्ता नहीं है, जिसके पैर पकड़ते वो भी लात से हटा देता है मार के, हम लोग कैसे जियेंगे? तो हम लोग के ये कंपनी के यही कहते हैं, हम लोग सब आदमी मिट्टी तर दब जाते हैं और ऊपर से ढांक के और कोयला कोड़ के ले जा, हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे, जिंदा रहबे नहीं करेंगे तो मांगेंगे कहे ले। सरकारों को बोझ कमी हो जाएगी ये
देखा आपने किस तरह से, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, किस तरह से महिलाएं उस ट्रक के नीचे आ जाती, उस जेसीपी के नीचे आ जाती और महिलाएं वहां पे खड़े हैं। ये हालत है पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना का। ग्रामीणों का कहना है कि हम मुआवजा लेना चाहते हैं पर सरकार और एनटीपीसी हमें मुआवजा दे नहीं रही है। पहले बोला जाता था कि सीओ नहीं है इसके वजह से भू अर्जन हमें पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन सीओ को आकर कम से कम 1.5 महीना हो गया। पर पहले जब भी सीओ आए तो पहले ग्रामीणों का काम करना था, लेकिन सीओ साहब ने भी पहले एनटीपीसी का काम करना शुरू कर दिया। तो हालत ये है। हम पूछना चाहते हैं उन जनप्रतिनिधियों से जो जनप्रतिनिधि उन लोगों का वोट लिए और जीत कर विधानसभा गए, मुखिया बने, सरपंच बने, जिला परिषद बने, हम सब उनसे पूछना चाहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं। जो उनके वोटर थे वो मार खा रहे थे, जेसीपी के नीचे आ रहे थे, वो कहाँ थे? वो जनप्रतिनिधि कहाँ है? वहाँ का स्थानीय मुखिया कहाँ है? वहाँ का स्थानीय सरपंच कहाँ है? वहाँ का स्थानीय विधायक कहाँ पे हैं? विधायक जी इससे पहले जो आए थे और काम बंद कराई थी, लेकिन फिर भी आज 2 दिन के बाद फिर से काम चालू हो गया। तो हालत यह है कि क्या कंपनी किसी की नहीं सुनने वाला? ये विडंबना है कि क्या कंपनी सबसे ऊपर है? क्या कंपनी किसी की नहीं सुनता है? कोई जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनता है? अगर जनप्रतिनिधियों की अगर कंपनी नहीं सुनता है तो मेरे ख्याल से सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर एक कंपनी अगर किसी प्रतिनिधि की नहीं सुनता है जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, उनको सबको रिजाइन कर देना चाहिए, स्वेच्छा से रिजाइन कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि एनटीपीसी जो भारत की सबसे महारत्न कंपनी है वो किसी जनप्रतिनिधि की सुनता नहीं है, जिसके कारण हम रिजाइन कर रहे हैं। आप बोले थे सर, देखिए आपके मर्जी के अगर आपका मन नहीं है तो कंपनी आपके जमीन में कदम नहीं रखेगा। तो सर क्या होता है, कंपनी कुछ नहीं सुनता है सर, पुलिस प्रशासन बड़ा बाबू पूरा घिसट घिसट के ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रैयत है सर, हम लोग बोलते हैं रैयत, रैयत से बात कीजिए, आपको लेना है तो।